स्पेशल सेशन में आ जाइए सभी लोग। और आज हम लोग जो आपकी वर्तमान भारतीय समाज है उसकी ये जो क्लास में हमने आपको बताया है थंबनेल के माध्यम से कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं, जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनको तो हम लोग देखते ही हैं, साथ के साथ कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे बनते हैं जो आपके एग्ज़ाम में एक नंबर में पूछे जाते हैं या फिर वो प्रश्न आपके बहुविकल्पी में बनते हैं। तो एक बार ज़रा सब लोग बता देंगे क्या मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है, हमारी क्लियर है ना सभी के पास। एक बार सब लोग बता दीजिए क्या आवाज क्लियर है। अब बता दो जरा आवाज क्लियर है सभी के पास। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ, क्लास में जो आपके क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके आज जो आपका पहला पेपर होता है वर्तमान भारतीय समाज, केवल उसके प्रश्न रहेंगे, है ना। और इसकी जो दूसरी क्लास होगी वो आज हम रात में ही कर लेंगे, उस पेपर के जो क्वेश्चंस रहेंगे हम लोग उसमें कर लेंगे, ठीक है। तो सब लोग तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो एक बार ज़रा कमेंट बॉक्स में यस सर लिखो, फिर शुरू करते हैं। सारे क्वेश्चंस करेंगे वन बाई वन, जितने भी आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जितने आपके पूछे जा सकते हैं। अंशु चौबे कहा नहीं जा सकता है, वैसे उम्मीद है 99% की आ जाना चाहिए, है ना, क्योंकि उसमें भी अगर फेर बदल होगा तो उसके बाद भी एग्जाम होंगे। ठीक है, चलो भाई शुरू करते हैं। देखो पहला प्रश्न, पहला प्रश्न तो क्या ही कहेंगे, पहला जो आपका टॉपिक है, पहला टॉपिक क्या है देखो भाई, पहले पॉइंट में हम लोग क्या देखेंगे, मैकाले का जो विवरण पत्र है वो कब आया। देखो यहाँ से आपके जो पहला पेपर है उसके लिए आपके ये महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होने वाले हैं, है ना। बहुत बढ़िया। हाँ, अभी प्रियंका सिंह, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे आपके इसी में कवर हो जाएंगे। देखो भाई मैकाले का विवरण पत्र वो सारे आपके इसी में कवर हो जाएंगे। 2 फरवरी 1835, कब? 2 फरवरी 1835। दूसरा है बुडका घोषणा पत्र, ये भी प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग 1854 तो जानते हैं लेकिन हमको एक चीज और याद होनी चाहिए 1854 के साथ साथ, 19 जुलाई, क्या 19 जुलाई, है ना। तीसरा देखो, तीसरा पॉइंट क्या है, हंटर कमीशन या फिर जिसको हम लोग भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से जानते हैं, ये कब आया, 1882 में। कब आया, 1882 में। अगला देखो, जिसको हम लोग कोठारी आयोग या फिर राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं, क्या कहते हैं, या तो हम लोग कोठारी आयोग के नाम से लिख देते हैं या फिर इसको हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से कहते हैं। तो ये 1964 से 1966 तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की है, है ना। और अगर प्रथम पूछा जाएगा तो 1968 बताओगे, है ना। अब जरा बता दो, तीनों एक बार बता दो जरा, तीनों तीनों लिख दो क्रम से,
68, फिर 86 और 2020। अगर हम बात करें इनके संशोधन की, तो संशोधन आपका इस वाली में कब हुआ? 1992 में, है ना? ये संशोधन के लिए है, ठीक है ना? जनार्दन रेड्डी समिति 1992। देखो प्रोफेसर यशपाल समिति, ये कब बनी? 92-93 में। बहुत सुंदर। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा, यानी कि जिसको हम लोग NCF कहते हैं, ये 2005। वर्धा शिक्षा नीति या फिर वर्धा शिक्षा सम्मेलन 1937, महात्मा गांधी। रवि BCF नहीं है, NCF है। क्या है? NCF। आगे देखो, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति, तो कब? 4 नवंबर 1948। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। NPE नहीं, NEP, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अब आगे देखो, माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति 23 सितंबर 1952। माध्यमिक शिक्षा आयोग का अध्यक्ष लक्ष्मण स्वामी मुदालियार। हमने आपको बताया था M2M याद रखना है। क्या याद रखना है? M2M। अगला देखो, बाल श्रम गिरवीकरण अधिनियम 1993। इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, उसकी चिंता मत करो, ठीक। अगला देखो, कारखाना अधिनियम 1948। प्लेटो द्वारा जो स्थापित संस्था थी, इन्होंने संस्थापित की थी, वो कौन है? एकेडमी के नाम से जानते हैं। संपूर्ण साक्षरता अभियान 5 मई 1988 से प्रारंभ हुआ। सर्व शिक्षा अभियान योजना प्रारंभ हुई आपकी 2001 से। कब से? 2001 से। अगला देखो, फ्रोबेल का किंडरगार्टन प्रारंभ हुआ आपका 1839। विश्व भारती की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा 1922 में। गोखले विद्या, कभी कोई पूछ रहा था कमेंट बॉक्स में, तो 1911 है। क्या है? 1911। करा देंगे उनको भी। अब प्रीवियस ईयर का ही नंबर है, क्योंकि आपके ज्यादातर जो क्वेश्चन है ना, वो आपके प्रीवियस ईयर से ही बनते हैं, है ना? बहुत सुंदर। अगला देखो, यशपाल समिति का सुझाव 1990, निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 4 अगस्त 2009। जनसंख्या शिक्षा राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में 1969 में बालकों के अधिकारों की घोषणा 20 नवंबर 1989 में UNA के द्वारा, है ना? हाँ, लॉन्ग वाले करा देंगे पूनम। अगला देखो, और इसको भारत द्वारा कब अपनाया गया था? ये जो UNO ने घोषणा की थी 1989 में, इसको भारत द्वारा अपनाया गया था 11 दिसंबर 1992 में। कब? 11 दिसंबर 1992 में। अगला देखो, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में आया। कलकत्ता मदरसा की स्थापना 1781, ये आपका इम्पोर्टेंट है। इसके बाद बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1791, है ना? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में कलकत्ता में। पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1818 में। ये जितने हैं ना, ये सब आपके इम्पोर्टेंट हैं। बोलो, आगे देखो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जो समीक्षा, वो 1992 में हुई थी, है ना? कार्यान्वयन कार्यक्रम ये 1992 में संचालित हुआ। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना कब लागू हुई? 87-88 में। ये आपका भी इम्पोर्टेंट है, ये आपका वेरी शॉर्ट में भी पूछा जाता है, लॉन्ग में भी पूछा जाता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यशपाल समिति ने रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? 15 जुलाई 1993 को।
स्कूल चलो अभियान जुलाई 1996 से संचालित है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का प्रारंभ हुआ है जुलाई 2004 से। आगे देखो, आगे है प्राच्य पाश्चात्य विवाद, यह 1813 से लेकर 1833 तक चला। विशेष अनुस्थापना कार्यक्रम यानी कि जो SOPT के नाम से है, ये कब लागू हुआ? 93-94 में, है ना। दिखाई देगा अभी, आप सुनो, इसका PDF मिल जाएगा तो वहाँ से पढ़ लीजिएगा, हम पढ़ तो रहे हैं ना। लॉर्ड कर्जन की जो शिक्षा नीति है 1904 में, है ना। हाँ, अभी बताएंगे। क्या पूछे तुषार, कौन सा क्या होता है SOPT? SOPT का पूरा नाम बोलो। स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ प्राइमरी टीचर्स। बहुत सुंदर। आगे देखो, सेवारत कार्यक्रमों का विस्तृत अभिन्यास कार्यक्रम यानी कि जो PMOST है, ये आपका 1986 में हुआ। फ्री स्कूल खोला गया यानी कि फ्री स्कूल सोसाइटी द्वारा 1789 में। बहुत सुंदर। बेसिक शिक्षा परियोजना कब लागू हुई? 5 अक्टूबर 1993 को। अगला देखो, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 1994 से प्रारंभ हुआ। सर्व शिक्षा अभियान प्रदेश के सभी जनपदों में प्रभावी हुआ 2002 से। मध्यान्ह भोजन योजना जो हम लोग MDM के नाम से भी जानते हैं, तो ये 15 अगस्त 1995 से संचालित है। कब से है? 15 अगस्त 1995 से संचालित है। राधा कृष्णन आयोग की नियुक्ति कब हुई? 4 नवंबर 1948 को। अगला देखो, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति कब हुई? 1902 में। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ? सन 1904 में। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना कब हुई? 5 मई 1988 को। आगे देखो, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? 25 जुलाई 1972 को। आगे देखो, पका हुआ भोजन उपलब्ध यानी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, तो 1 सितंबर 2004 से। शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू कब हुआ पूरे देश में? 1 अप्रैल 2010। हमने जो मैराथन के लिए आपकी PDF बनाई है, उसमें ये सारे पॉइंट इंक्लूड किए हैं। और मैराथन में आपकी खिचड़ी नहीं की है, मैराथन बहुत नीट एंड क्लीन आपको मिलेगी और बहुत शॉर्ट में मिलेगी। शॉर्ट का मतलब ये है कि जितना आपका इम्पॉर्टेंट है उसके फैक्ट, उसमें क्या कुछ आपको लिखना है, पेपर में आपसे कैसे पूछा जाएगा, कैसे आपको प्रेजेंट करना है, बिल्कुल आपको हिंट दी है टॉपिक वाइज कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी है ना तो बहुत शॉर्ट में और बहुत कम शब्दों में उसमें आपको मिलेगा। मैराथन आपकी होगी, अभी उसका हम कंटेंट तैयार कर रहे हैं, है ना। अगला देखो, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE की स्थापना कब हुई? 1995 में। NCERT की स्थापना कब हुई? 1 सितंबर 1961 को। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी कि DIET की स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार 1987 अक्टूबर में हुई, है ना। किसकी देन है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की। अगला देखो, विद्यालय प्रबंध समिति का गठन कब हुआ? 2009 की धारा 21 के अंतर्गत। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की स्थापना, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, 20 सितंबर 1985 में। आगे देखो, समेकित बाल विकास सेवाएं कब से प्रारंभ हुई? 2 अक्टूबर 1975 को। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना कब से प्रारंभ हुई? 95-96 में। देशव्यापी शिशु शिक्षा कार्यक्रम का संचालन कब हुआ? 2 अक्टूबर 1997। आगे देखो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई? 1953 में। आगे देखो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना हो गया,
राष्ट्रीय जनसंख्या परियोजना 1980 में प्रारंभ हुई है ना। अगला देखो, एनसीटी एक्ट संसद में कब पास हुआ, 1993 में है ना। बोलो इतना समझ आ गया, चलो आगे देख लेते हैं। ECCE अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ECCE। देखो इनको अगर आपको याद करना है तो इनके जो क्वेश्चंस हैं उनको लगाना पड़ेगा, तब आपके ये मजबूत हो पाएंगे। ठीक, आगे देखो, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम कब शुरू हुआ, 1986 में। बड़ौदा नरेश ने अनिवार्य शिक्षा का शुभारंभ किया था 1893 में है ना। आगे देखो, आचार्य राममूर्ति समिति का गठन कब हुआ था, 1990 में। श्री प्रकाश समिति का गठन हुआ था आपका 1959 में। शिक्षा आयोग का गठन हुआ आपका 14 जुलाई 1964 को। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन हुआ 64 से लेकर 66 तक। शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में कब स्वीकार किया गया, 1 अप्रैल 2010 को। उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में स्कूल चलो अभियान कब से प्रारंभ है, 2004 से। शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार का प्रारंभ हुआ था आपका 1958 में है ना। शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान कब दिया गया, 1976 में। कब दिया गया, 1976 में। अब बात कर लेते हैं हम लोग शिक्षण विधियों की। किसकी बात करते हैं, शिक्षण विधियों की। देखो भाई, प्रश्नोत्तर विधि सुकरात की है, संवाद विधि प्लेटो की है। आपको याद है प्रश्नोत्तर से आपको कैसे याद रखना है, देखो भाई जैसे प्रश्नोत्तर आपको याद करना है तो इसमें क्या है, प्रश्न आ रहा है, पासे प्रश्न सासे सुकरात। याद रखो प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है, सुकरात है। संवाद विधि का मैंने आपको बताया ही है कि अगर आप किसी से संवाद करने जाते हैं तो वहाँ पर नाश्ता आप कैसे करेंगे, प्लेट में रखकर ही तो करेंगे, तो किसकी है, प्लेटो की है। आगमन और निगमन याद रखना है, अरस्तु। अभ्यास विधि प्रशिक्षण एवं क्रिया विधि तो किसकी है, पेस्टोलॉजी है। क्या है, पेस्टोलॉजी है। देखो अभ्यास को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रैक्टिस कहते हैं ना, प्रैक्टिस। तो अभ्यास है तो प्रैक्टिस, अभ्यास का इंग्लिश प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस से आपको क्या याद रखना है, पेस्टोलॉजी याद रखना है। ठीक है, क्या याद रखना है, करे अभ्यास करोगी तो पेस्टी मिलेगी। प्रैक्टिस का हिंदी क्या होता है, अभ्यास, और अभ्यास विधि मतलब प्रैक्टिस विधि। तो प्रैक्टिस से क्या याद रखोगे, पेस्टोलॉजी याद रहेगा बेटा। निर्देशन विधि हो जाएगा आपका हार्वर्ड। खेल विधि फ्रोवेल। तर्क विधि के जनक कौन है, आपके हीगल है। कौन है, हीगल है। अब आगे बढ़ें, फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं। फुल फॉर्म देखो जरा, SOPT अगर हिंदी में आता है तो प्राथमिक अध्यापकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम। DPEP हिंदी में लिखना है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। NPEGEL यानी कि नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एलिमेंट्री लेवल। ठीक है, ठीक है श्वेता, ओके धर्मेंद्र, ठीक है। अब NCTE यानी कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। ठीक, अब इंग्लिश में देख लो, जैसे OB है यानी कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ठीक है, SOPT स्पेशल ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर टीचर। DPP डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। NPEGEL यानी कि नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल है ना, राधे राधे। अब अगला देखो, PMOST का भी लिखा है, PMOST प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन फॉर
स्कूल टीचर्स यानी कि सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिन्यास कार्यक्रम ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। देखो आप चाहे अंग्रेजी में लिखो चाहे हिंदी में लिखो, बशर्ते आपका लिखा होना चाहिए। UGC इंडिया द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ऑफ इंडिया, ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे। इसमें किसी को कठिनाई है जो आपके ये फुल फॉर्म है बोलो किसी को कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत? जिन्होंने लाइक नहीं किया है फटाफट से लाइक कर दो, ठीक। थोड़ा जूम करें, अब आगे जूम करे दे रहे हैं, इसका PDF दे देंगे तो कोई दिक्कत आपको। प्रति किसका गलत हुआ है एक बार बताओ, फिर से उसको देखते हैं। अब देखो कथन वाले आपके आ गए, स्टेटमेंट किसका कौन सा कथन है? पहला है अज्ञानी रहने की अपेक्षा जन्म ना लेना ही अच्छा है, ये कथन किसका है? ये आपका प्लेटो का है। किसका है? अज्ञानी रहने की अपेक्षा जन्म ना लेना ही अच्छा है। अगला देखो, ज्ञान शिक्षा जीवन के सत्य का दिग्दर्शन ही नहीं करता है बल्कि वह व्यक्ति को बोलना चलना व्यवहार करना भी सिखाता है, ये किसका कथन है? महर्षि वेद व्यास का है। किसका है? महर्षि वेद का है। सर शिशु वाले पूछ रहे हैं हम उसको ECCE बोलते हैं क्या शॉर्ट में जो आपने हमने बताया? हाँ। आगे देखो, स्वस्थ मनुष्य में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है, ये बात किसने कही है? ये बात कही है आपकी अरस्तु ने। अगला देखो जरा, ज्ञान ही स्वर्ग तक उड़ान में पंखों का आधार है, ये कथन किसका है? शेक्सपियर का है। किसका है? शेक्सपियर का। देखो, दान में सोना देने की अपेक्षा अपने बच्चे को शिक्षा देना श्रेष्ठ है, ये कथन किसका है? तो यह है आपका मोहम्मद साहब का। किसका है? मोहम्मद साहब का। अगला देखो, शिक्षा मनुष्य को पार्श्विक प्रवृत्तियों से ऊंचा उठाने का कार्य करती है, ये कथन किसका है? तो यह है आपका अरस्तु का। किसका है? अरस्तु का। अगला देखो, शिक्षा की प्रक्रिया में समाज का महत्वपूर्ण स्थान होता है, तो ये कथन किसका है? जॉन ड्यूबी का है। शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियां बाहर प्रकट होती हैं, तो ये कथन किसका है? फ्रोबेल का है। किसका है? फ्रोबेल का है। अगला देखो, अगला है, शिक्षा आंतरिक जीवन एवं बाह्य संसार के मध्य समन्वय स्थापित करने की प्रक्रिया है, तो कथन किसका है? हार्वर्ड का है। किसका है? हार्वर्ड का। PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। शिक्षा से मेरा तात्पर्य है क्या है? बालक और मनुष्य के शरीर मस्तिष्क और आत्मा का उत्कृष्ट विकास, तो ये कथन किसका है? महात्मा गांधी का। अगला देखो, शिक्षा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक सर्वांगीण एवं प्रगतिशील विकास है, कथन किसका है? आपका पेस्टोलॉजी का है। शिक्षा एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है, तो कथन किसका है? एडम्स का है। अगर त्रिमुखी प्रक्रिया पूछा जाएगा तो किसका है? जॉन ड्यूबी का। इस क्लास के नीचे हम एक लिंक दे देंगे, वहाँ आपको इसका PDF मिल जाएगा, तो ये किसका है? जॉन ड्यूबी का है। चुंबक के समान शिक्षा में भी दो ध्रुवों का होना आवश्यक है, इसलिए शिक्षा भी द्विमुखी प्रक्रिया है, तो कथन किसका है? रॉस का है। अगला देखो, शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य तथा कार्य मानव प्रकृति तथा चरित्र को प्रशिक्षित करना है, ये कथन किसका है? प्लेटो का है। अगला देखो, समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है, कथन किसका है? रेमंट का है। शिक्षा हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो आप लोग जानते ही हैं कि पेस्टी खाना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, है ना? टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? पौधे का विकास कृषि के द्वारा और मनुष्य का विकास शिक्षा के द्वारा होता है, ये कथन किसका है? लॉक का है। जैसे मान लीजिए आपको याद कैसे करना है, देखो जैसे पौधे का अगर आपको विकास करना है ना, तो अगर ये मान लीजिए आपने कोई पौधा लगाया है ना, और इसके आसपास अगर जाली लगाकर इसको लॉक कर दिया,
तो पौधे का विकास हो पाएगा। तो कैसे याद रखोगे? कौन सा वाला? ये वाला बाल गंगाधर लॉक वाला। कि ये वाला शिक्षा हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। देखो अगर पौधे को आप लॉक करोगे ना तो क्या है, तो ही उसका विकास हो पाएगा। तो याद क्या रखना है, पौधे का विकास कृषि के द्वारा और मनुष्य का विकास शिक्षा के द्वारा होता है, ये कथन किसका है? लॉक। अभी उसका देखते हैं रवि लास्ट में, है ना। आगे देखो, शिक्षा में अध्यापक विद्यार्थी के साथ साथ पाठ्यक्रम भी सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि पाठ्यक्रम के अभाव में शिक्षा कार्य पूर्ण नहीं किया जा सकता है। तो क्या होगा? ये है आपका कथन जॉन ड्यूबी का है। जो विचार जीवन निर्माण, मनुष्य निर्माण और चरित्र निर्माण में सहायक हो, उन्हें ही शिक्षा की संज्ञा दी जा सकती है। कथन किसने कहा है? स्वामी विवेकानंद जी ने। अगला देखो, संगमरमर के पत्थर के लिए जो महत्व मूर्तिकार का है, वही आत्मा महत्व आत्मा के लिए शिक्षा का है। तो कथन किसका है? एडिशन का है। शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया का उद्देश्य विकास या फिर उन्नति है। तो कथन किसका है? जॉन ड्यूबी का है। अगला है, शिक्षा का कार्य उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना है। तो कथन किसका है? हर्बर्ट का है। आगे देखो, जीवन की भांति शिक्षा का उद्देश्य भी व्यक्तित्व का उन्नयन करना है। तो ये कथन किसका है? रॉस का है। समाज सेवा में ही आत्मा का विकास होता है। कथन किसका है? रस्क का है। व्यक्तिकता का विकास सिर्फ सामाजिक वातावरण में ही होता है। तो हमने आपको क्या बताया था? टीपी नन याद रखना है, कि नाना जी ने आपसे कहा कि आप मामा के यहाँ तो आए हैं, लेकिन अगर आप अपना डेवलपमेंट करना चाहते हो तो क्या है, समाज के लोगों से जुड़े रहो, है ना। तो क्या हो जाएगा? टीपी नन। व्यक्तित्व की व्याख्या सिर्फ सामाजिक संदर्भ में ही की जा सकती है। तो किसकी है? वॉल्डविन का है ना। ये कथन हमने आपको क्विज में दिए हैं, तो जिनको भी अगर याद नहीं हो रहे हैं तो रेगुलर आप इसके जब क्विज करोगे ना, तो वहां आपका सामने गलत होता है तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ना। आगे देखो, शिक्षा एक अर्थपूर्ण और नैतिक प्रक्रिया है, अतः यह कल्पना नहीं की जा सकती है कि यह उद्देश्य विहीन है। तो किसका है कथन? रेबलिन का है। समाज व्यक्ति से श्रेष्ठ है, यह कथन किसका है? हेगले का है। मैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व देता हूँ, परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मनुष्य आवश्यक रूप से एक सामाजिक प्राणी है। तो कथन किसका है? महात्मा गांधी का है। कुछ आपको मिलेगी टेलीग्राम पे। अगला देखो, सच्ची शिक्षा को बालक के बेरोजगारी के विपरीत एक बीमे के रूप में होना चाहिए। तो कथन किसका है? महात्मा गांधी का है। व्यावसायिक प्रशिक्षण मानव के दृष्टिकोण को संकुचित करता है। तो कथन किसका है? बीडी भाटिया का है। अगला देखो, ज्ञान ही क्या है? पवित्रता है। ज्ञान ही शक्ति है, तो आपका अरस्तु का है। ज्ञान ही प्रकृति है, तो आपकी सोफिस्टो। ये तीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अरंजना सिंह, वीडियो थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा लो, बाकी इसकी आपकी पीडीएफ दे देंगे, तो वहाँ से आप इनको पढ़ लीजिएगा। हो सकता है कि थोड़ा सा क्वालिटी डाउन हो ड्यू टू नेटवर्क। ज्ञान वह पंख है जिसकी सहायता से हम स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। किसका है? जॉन एडम्स का है। अगला देखो, केवल ज्ञानी परमात्मा की पृथ्वी पर सबसे व्यर्थ का अभद्र, यानी कि परमात्मा की जो पृथ्वी है सबसे व्यर्थ का अभद्र, जो अभद्र पुरुष है वो कौन है? अभद्र है वो, क्या है? मनुष्य ही होता है। ये कथन किसने कहा है? शेक्सपियर ने। अगला देखो, ज्ञान पर बल देने से विद्यालय ज्ञान की दुकान और शिक्षक सूचना विक्रेता बन जाते हैं। तो कथन किसका है? व्हाइट हैट का। इसका भी मैंने आपको ट्रिक बताया हुआ था, है ना। अगला देखो, जिस व्यक्ति को सच्चा ज्ञान है वह सद्गुणी के सिवाय और कुछ भी नहीं हो सकता है। कथन किसका है? एडम्स का है। अगला देखो, 40, यदि कोई मुझसे पूछे कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो मैं उत्तर दूंगा कि चरित्र विकास। तो आप इसको समझ सकते हैं कि भाई क्या हुआ, महात्मा गांधी। छत्तीस
इसका ना, इसका शेक्सपियर बता रहे हो भाई, यहाँ स्वर्ग दिया है, एक बार जरा इसको चेक कर लेते हैं। रुको जरा। ज्ञान वह पंख है जिसकी सहायता से हम स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। एक मिनट जरा अभी चेक कर लेते हैं कथन किसका है। हाँ सही है, ये शेक्सपियर का है, शेक्सपियर का है, ये एडम्स का नहीं है। ठीक है, अरविंद वर्मा ने सही बताया, क्योंकि इसमें स्वर्ग दिया है ना, तो स्वर्ग से शेक्सपियर का ट्रिक भी बताया हुआ है ना। मैथ की क्लास आपकी होगी, मैथ की क्लास आज आपकी, जो आपके चैप्टर 13, 14, 15 यूनिट है ना, उनको कवर कराया जाएगा, जो ज्यामिति वाले चैप्टर हैं, है ना। अगला देखो, वह शिक्षा किस काम की जो भविष्य के लिए वर्तमान का बलिदान करती है, तो कथन किसका होगा। रूसू का। अगला देखो, मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता, सबसे बड़ा रक्षक क्या है, चरित्र है, किसने कहा है, स्पेंसर ने कहा है। चरित्र की स्थापना करना विद्यालयी शिक्षा और अनुशासन का मुख्य उद्देश्य है, तो क्या होगा, जॉन ड्यूबी। हाँ देखो, धर्मेंद्र भी लिख रहे हैं, मुझे ट्रिक से याद है, पंख लग आगे स्वर्ग जाएंगे। आगे देखो, नैतिकता सिखाई नहीं जा सकती है, किंतु बीमारी की तरह केवल उसे पकड़ा जा सकता है, किसका है, स्टोर बक्का है ना। आगे देखो, शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का संतुलित स्वाभाविक और प्रगतिशील विकास है, किसका कथन है आपका, पेस्टोलॉजी का है। अगला देखो, शिक्षा का उद्देश्य पूर्ण मानव विकास है, कथन किसका है आपका, पेंटर महोदय का है, किसका है, पेंटर महोदय का है। देखो, अध्यापक सही चरित्र का आध्यात्मिक प्रतीक है, कथन किसका है, जेंटील का है। प्रयोजनवाद मस्तिष्क का स्वभाव और मनोवृत्ति है, कथन किसका है, जेम्स का। अगला है, शिक्षा की प्रक्रिया अनुकूल की एक निरंतर प्रक्रिया है, जिसका प्रत्येक अवस्था में उद्देश्य विकास की बढ़ती हुई क्षमता प्रदान करना होता है, कथन किसका है आपका, जॉन ड्यूबी का है। अगला देखो, शिक्षण का उद्देश्य मनुष्य में निहित शक्तियों का निरंतर विकास करना है, ना कि उसको और अधिक ज्ञान प्रदान करना है, ये कथन किसका है, फ्रोवेल का है। शिक्षा वह है जो मनुष्य की संपूर्ण सत्ता के साथ समन्वय स्थापित करने की शक्ति देती है, कथन किसका है, टैगोर जी का है। अगला देखो, अब आपके ये कुछ कथन ऐसे हैं जो आपके थोड़े से बड़े आते हैं। बड़े का मतलब क्या है, आपको इस प्रकार दे दिया जाएगा, सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा क्या है ना, तो ग्लेन और इनकी है। राज्य की परिभाषा क्या है ना। हाँ समझ गए, मैथ की क्लास आपकी 4:10 से होगी, और इसका पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे। देखो, 4:10 से आपकी क्लास होगी मैथ की, और मैथ की आज आपकी ये अंतिम क्लास है, किस टॉपिक की, जो आपके ये टॉपिक आते हैं ना, जैसे मान लीजिए वर्ग का है ना, आयत है ना, चतुर्भुज है, तो इस वाले टॉपिक की आज ही आपकी लास्ट क्लास होगी। लास्ट क्लास का मतलब ये है कि आपको इस टॉपिक के अब सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाए जाएंगे, है ना। आपको इस तरीके से नहीं बताया जाएगा कि इसका सूत्र क्या है, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, है ना। अब क्या होगा, फिर आपके इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। तो जिनकी भी अगर मैथ्स कमज़ोर है, तो 4:10 से आपकी ये क्लास होगी, और आज ये क्लास आपकी लंबी चलेगी थोड़ी। लंबी क्यों चलेगी, क्योंकि इसकी जो क्लास होगी वो आपकी बेसिक से आपको पढ़ाया जाएगा, मैम ही क्लास लेंगी, बेसिक से इसकी क्लास होगी, और बिल्कुल लेवल 0 से लेकर आपको हाई लेवल तक सिखाया जाएगा, यानी कि पहले उसका बेस पढ़ाया जाएगा। जो लोग ऐसे हैं जिनको उसमें कुछ भी नहीं आता है ना, हाँ प्रीवियस ईयर को देखते हुए, तो उस क्लास को आज जरूर ज्वाइन करो जिन्होंने अभी तक उसमें कुछ नहीं सीखा। देखो, आपका जो मैथ का थोड़ा
थोड़ा सा आगे वाला पोर्शन में पता चले आपको एलसीएम एचसीएफ आता ही है ना, गुणा भाग जोड़ घटाना बोर्ड मास आता है। इस वाले में क्या होता है कभी कभी आपसे चार या छः नंबर का जैसे मान लीजिए पूछ दिया लास्ट में, तो आप ऐसे क्वेश्चन को देख कर ही छोड़ देते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को छोड़ना नहीं है, उनको करना भी है, ठीक है। तो कितने बजे आना है, 4:10 से। ओके, थैंक यू सो मच, क्लास हम उसको लगा दे रहे हैं, तब तक आप लोग वहाँ आ जाओ। ओके, और इसका पीडीएफ आपको इसके नीचे मिल जाएगा और टेलीग्राम पर हम इसका अपलोड कर ही देंगे। थैंक यू सो मच।